हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कन्वीटेक में। और दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सैमसंग का ये 8 kg का टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जो कि आया है 2023 के अंदर और सबसे लेटेस्ट ये वाला मॉडल है। यहाँ पे देखिए, ये 8 kg का मशीन है और यहाँ पे इस तरह का पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये मशीन आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है और इसका वारंटी में भी सैमसंग ने काफ़ी बड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 साल का वारंटी तो है ही, लेकिन यहाँ पे आपको मोटर का वारंटी 20 साल का देखने को मिल जाएगा और काफ़ी बड़े उस स्पेसिफिकेशन में भी चेंजेस किए हैं। आगे वीडियो में हम देखेंगे, इसके अंदर 5-स्टार रेटिंग के साथ ये आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी में अगर देखने जाए तो बबल स्टॉर्म और डिजिटल इन्वर्टर, यानी इसके अंदर आपको डायरेक्ट ड्राइव मोटर भी देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका जो डोर है, ये डोर आपको यहाँ पे सॉफ्ट क्लोजिंग डोर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है। और यहाँ पे पैनल देखिए, हमने मशीन ऑन किया हुआ है, पूरा मैं दिखाऊंगा आपको पैनल कैसे यूज़ करना है। पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पे ये इसका ड्रम है, इसके साथ आपको एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप यहाँ पे आपको 1-1 मीटर की देखने को मिल जाएगी। और अगर इसके ड्रम के डिज़ाइन की बात करें तो इसके अंदर आपको डायमंड ड्रम डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, यानी इसका जो ड्रम का डिज़ाइन है वो डायमंड शेप में है। इससे स्क्रबिंग इफेक्ट काफ़ी बढ़िया होता है। इसका पल्सरेटर है और पल्सरेटर और डायमंड ड्रम डिज़ाइन मिलके जो है वॉश क्वालिटी काफ़ी बढ़िया कर देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने बोला था बबल स्टॉर्म, तो यहाँ पर डिटर्जेंट बॉक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक यहाँ पे आपको डिटर्जेंट बॉक्स देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो है डिटर्जेंट, यहाँ पे इसका पेनेट्रेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं बबल स्टॉर्म टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप डिटर्जेंट डालेंगे और पानी के साथ अगर मिक्स होगा तो ये एकदम फोम के रूप में जाएगा। तो फोम क्या करता है दोस्तों, कपड़ों में से मैल अच्छी तरह से निकालता है, तो इसको बोलते हैं बबल स्टॉर्म टेक्नोलॉजी। और इसका डिजिटल इन्वर्टर, यानी इसकी जो मोटर है, अब वो आपको इन्वर्टर मोटर देखने को मिल जाएगा विथ डायरेक्ट ड्राइव मोटर। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस मशीन में, आपको डायरेक्ट ड्राइव मोटर देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट ड्राइव का बेनिफिट ये है कि बेल ड्राइव से डायरेक्ट ड्राइव नॉइज लेवल में भी काफ़ी बढ़िया रहता है और इसका जो पावर कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम रहता है। तो ये मशीन ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जेट स्प्रे का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वॉश इन 29 मिनट्स सुपर स्प्रे, यानी ये आपका रेंस टाइम काफ़ी कम कर देगा। अगर आप ये चालू करते हैं, अगर इसके प्रोग्राम में अगर आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए बबल स्टॉप और स्पीड, सुपर स्पीड में आप इसको चालू करते हैं तो आपका रेंस टाइम काफ़ी कम कर देगा। ये यहाँ से फुल फोर्स में जो स्प्रे है और पानी दोनों तरफ से आएगा, यानी आपका रिंसिंग टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, पानी भी काफ़ी कम यूज़ होगा। और यहाँ पे आप देखिए ब्लीच का ऑप्शन है, ब्लीच यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई सॉफ्टनर या ऐसा कुछ डालना है तो यहाँ पे आपको सॉफ्टनर या ऐसा कुछ डालने की जगह यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं इसकी पैनल दोस्तों। यहाँ पे ये पैनल है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सैमसंग का ब्रांडिंग है। यहाँ पे ऑन बटन है, यहाँ पे आपका वॉशिंग साइकिल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और स्टार्ट का बटन है। लेकिन यहाँ पे कितनी सारी वॉशिंग साइकिल्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको वॉशिंग साइकिल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे वॉश रिंस स्पिन का इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको टाइमर दिखाएगा। जैसे ही हम अपना साइकिल सिलेक्ट करेंगे, देखिए डेलिकेट है तो 44 मिनट, पहले नॉर्मल वॉश है, फिर क्विक वॉश है। यहाँ पे बेडिंग का ऑप्शन है, बेबी केयर का, जीन्स, एनर्जी सेविंग पे आप चला सकते हैं, एक्वा प्रिजर्व पे चला सकते हैं। आपको वॉश नहीं करना है, यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर बंद हो गया है, यानी अगर आप वॉश नहीं करना चाहते, खाली रिंस और स्पिन करना है। अगर आपने बाहर से कपड़े धो दिए तो आप वॉश नहीं करना चाहते तो रिंस और स्पिन का भी ऑप्शन है। और इको टब क्लीन, आपको टब क्लीनिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाजू में आपको यहाँ पे मॉनसून का ऑप्शन दिख रहा है। मॉनसून क्या होता है दोस्तों, अगर आपका मॉनसून का सीज़न है, आप थोड़ा ज़्यादा ट्राई करना चाहते हैं तो 15 या 30 मिनट्स का साइकिल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वाटर लेवल आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये मैन्युअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 तक का आपको वाटर लेवल सिलेक्टर है। वॉश टाइमर सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने मैन्युअली, अगर आपको करना है तो आप वॉश टाइमर सिलेक्ट कर सकते हैं।
रिंस आपको कितनी बार करना है ये आप कर सकते हैं। देखिए देखिए ये रिंस आपको कितनी बार आपको करना है, 1, 2, 3, 4, 5, और स्पिन आपको एक्स्ट्रा स्पिन करना है तो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बबल स्टॉर्म का ऑप्शन है, इंसेंटिव वॉश का ऑप्शन है। इंसेंटिव कपड़े हैं आपके ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो यहाँ पे इंसेंटिव वॉश का भी ऑप्शन है, और यही आपका पावर टॉप क्लीन का ऑप्शन है। सुपर स्पीड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा डिले एंड। डिले एंड दोस्तों ये है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टाइम में अगर आपको मशीन चालू करना है 3 घंटे 4 घंटे, यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं और अपना कपड़ा और पाउडर जो है आप डाल के टाइमर देके छोड़ सकते हैं। उस टाइम के बाद ये शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सारा काम करके वो बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे डिले एंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्या है यहाँ पे इसका लिंट फिल्टर, तो यहाँ पे लिंट फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये लिंट फिल्टर आपको 2 या 3 वॉश के बाद यहाँ पे उसके रुए रेशे हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे, तो आपको ये साफ करना रहेगा। उसको लगाना भी काफ़ी इजी है, यहाँ पे इजी लिंट फिल्टर ही बोलते हैं इसको, मैजिक फिल्टर, तो यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों सैमसंग का टॉप लोड 8 kg वॉशिंग मशीन। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।